मैं किरण आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। शहीदों के सम्मान में युवक कांग्रेस मैदान में, लोह पुरुष के नाम समर्पित गीत पीएम मोदी ने किया शेयर। 40 लाख वाहनों पर मंडरा रहा जब्त होने का खतरा। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस सचिव व मनपा पार्षद बंटी बाबा शेर के इनके मार्गदर्शन में शहर अध्यक्ष तौसिफ खान के नेतृत्व में शहर युवा कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में शहीद पुलिस कर्मी व दूरदर्शन कैमरा मैन अच्युतानंद साहू को आज संविधान चौक पर कैंडल मार्च कर युवा कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई और केंद्र सरकार के नाकामयाबी के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस शहर के अध्यक्ष तौसिफ खान ने कहा कि सन 2014 में केंद्र में जब मोदी सरकार आई थी तब बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज पिछले 4 सालों में मोदी सरकार की काफी नाकामियां जनता के सामने आई। कोर्ट के आदेश के बाद 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर जब्त होने का खतरा मंडरा रहा है। परिवहन विभाग अब इसको लेकर सख्त हो गया है। विभाग की ओर से पब्लिक नोटिस के जरिए वाहन मालिकों को ये सूचना दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने दुनिया में सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया। एमएनएस न्यूज में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे एमएनएस न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।